दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायजू बीएनएसटी स्कॉलरशिप के ऊपर। आप अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपके लिए बीएनएसटी जो है एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपको अप टू 100% के स्कॉलरशिप मिल सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों पर ईयर जो है 8 से 10 लाख एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। और ऐसा बायजू का कहना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। और जो प्रॉपर गाइडेंस है वो आपको बायजू के साथ मिलने वाला है बीएनएसटी टेस्ट के थ्रू। यहाँ का जो एक्सपर्ट फैकल्टी और मेंटर्स हैं उनके द्वारा आपको यहाँ पे गाइडेंस दिए जाने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों बेनिफिट्स में आपको 100% के तो स्कॉलरशिप मिलते ही हैं। साथ ही एकेडमिक काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। असेसमेंट रिपोर्ट दिए जाते हैं वीकली बेसिस पे और उनका स्कोर कार्ड जो है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है खुद को एनालाइज करने के लिए। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। बात करें यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि टेस्ट पैटर्न और सिलेबस क्या है, तो दोस्तों पॉलिटी से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 15, हिस्ट्री से 15, साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट से 15, करंट अफेयर से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस तरह से टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आपको 2 आवर्स में सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन का सिलेबस दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर इसको डिस्कस करेंगे तो हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसका ना वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे मार्किंग स्कीम के बारे में, तो एक सही आंसर करने पे आपको 2 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं और एक गलत आंसर करने पे 0.67 एज अ नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट किए जाते हैं। बात करें दोस्तों बीएनएसटी को अटैम्प्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे टेस्ट का जो डेट है वो है 7 मार्च और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का डेट है वो है 6 मार्च। अब यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आगे एक्सटेंड हो सकता है, नेक्स्ट वीक में इनका फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने को है। तो जब भी आप अप्लाई करें एक बार वेबसाइट पर जो है डेट को लेकर कन्फर्म हो ले। इस वीक का जो दोस्तों टेस्ट का टाइमिंग है वो है 7 मार्च 11 AM को आप टेस्ट दे पाएंगे। टेस्ट देने के लिए दोस्तों आप लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन कुछ भी कोई भी डिवाइस आप यूज कर सकते हैं, ओनली आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए टेस्ट देने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, आप बायजू के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो आप बीएनएसटी में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जैसे बायजू का एक चलता है बीनेट यानी कि बायजू नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें भी आप पहले से अप्लाई किए हुए हो फिर भी आप बीएनएसटी में अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात करें टेस्ट का रिजल्ट कब अनाउंस किए जाएंगे, तो 10 मार्च को 12 PM का टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। और क्वेश्चन का लैंग्वेज को डिस्कस करें दोस्तों, तो क्वेश्चन जो है बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। ओके, तो ये तो गया दोस्तों बीएनएसटी के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स। बात करें कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपली इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे, सिंपली एक रजिस्टर फॉर फ्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अपने यहाँ पे फोन नंबर डाल के OTP वेरीफाई कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो आ चुका है जिसमें सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है, लास्ट नेम डाल लेना है, उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेना है। एंड यहाँ पे स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस सेक्शन को आप रेस्ट छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश या फिर हिंदी, यानी कि आप एग्जाम हिंदी या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं पेड करना है। तो अगर आप किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएनएसटी जो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कॉमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, वहाँ भी कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।